नमस्ते, मेरा नाम गोपाल कामत है और आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है गेट योर रेस्टोरेंट। ये चैनल ऐसा चैनल है जहाँ पे हम लोग आपको मैं आपको सिखाता हूँ कि आपका खुद का रेस्टोरेंट कैसे ओपन कर पाए। और आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ, वो है आप आपके रेस्टोरेंट का लोकेशन कैसे फाइनल करें। सो लोकेशन ये रेस्टोरेंट बिजनेस का सबसे बड़ा टॉप मुद्दा है, सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर आपका रेस्टोरेंट एक अच्छे लोकेशन पे आप ओपन नहीं करें तो उसका चलना, उसका सक्सेसफुल होना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। रेस्टोरेंट का लोकेशन फाइनलाइज करना ये एक सक्सेसफुल होटल का, होटेलियर का, रेस्टोरेंट ओनर का नंबर वन मेजर टास्क है, नंबर वन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर रेस्टोरेंट का लोकेशन मिस हो गया तो आगे जाके वो बहुत ही बड़े प्रॉब्लम में आ सकता है। सो ये चैनल पे मैं खुद एक रेस्टोरेंट ओनर हूँ मल्टीपल रेस्टोरेंट्स का, और उसके बाद फिर मैं टीचिंग मोड, कंसल्टिंग मोड में आया जहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ कैसे आपका खुद का रेस्टोरेंट ओपन करें। तो जिन लोगों को रेस्टोरेंट ओपन करने की या रेस्टोरेंट बिजनेस के बारे में जानकारी लेने की इच्छा नहीं है, मैं अभी आपको कहना चाहता हूँ कि आप ये चैनल से निकल जाइए, क्योंकि ये आपके लिए प्योर वेस्ट ऑफ टाइम होगा। सो क्यों लोकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है? आपका रेस्टोरेंट का सक्सेस स्टार्ट और एंड ये लोकेशन पे ही होता है। अगर कस्टमर्स ही नहीं होंगे, गेस्ट ही नहीं होंगे आपके रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आने वाले, तो आप खाना बना के या खाना किसको परोसोगे या किसको बेचोगे या किसके पास आप ट्रांजैक्शन करोगे? सो या पीछे अगर आप देखें तो एक 6 पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं जो आपको आइडियाज देंगे कि आपका लोकेशन कैसा होना चाहिए। तो पहला वाला पॉइंट है पब्लिक प्लेसेस। सो पब्लिक प्लेसेस मतलब जहाँ पे मैक्सिमम पब्लिक हो, जहाँ पे बहुत सारा पब्लिक हो, जैसे कि रेलवे स्टेशन के सामने हुआ, एसटी स्टैंड के सामने हुआ, या मार्केट एरिया में हुआ, जहाँ पे पॉपुलेशन का आना जाना, फ्लोटिंग पॉपुलेशन कहते हैं हम लोग इसे, फ्लोटिंग पॉपुलेशन काफ़ी हो, ऐसे लोकेशंस बहुत अच्छे होते हैं अपने रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए। क्योंकि कॉमन सेंस है, जितने लोग ज़्यादा होंगे उसमें से कोई लोग आएंगे, उनको भूख लगेगी, वो आएंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे और जाएंगे। सो वैसा लोकेशन चूज करना आपका नंबर वन प्रायोरिटी होना चाहिए। सेकेंड है रेसिडेंशियल एरिया, जहाँ बहुत सारे फ्लैट्स हो या टाइप्स ऑफ फैमिलीज रहते हो, एक मिडिल लोकेशन चूज करना होता है जिसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग रह रहे हैं, क्योंकि वो लोग होम डिलीवरीज पे, फोन पे होम डिलीवरीज मंगाते हैं, वो लोग शाम को नीचे उतरते हैं वो घूमने के लिए मार्केट एरियाज में, वहाँ का लोकल एरियाज में, तो वो लोग खाना खाने आते हैं और आप उनको सर्विस भी दे सकते हो, आप होम डिलीवरीज भी जल्दी दे सकते हो। तो रेसिडेंशियल एरियाज का भी होना बहुत जरूरी है आपके टाइप ऑफ रेस्टोरेंट पे। तीसरा है कॉर्पोरेट कंपनीज, जहाँ पे मेजर होती है वहाँ के वो एरिया के बीच में आपका रेस्टोरेंट अगर होगा तो वो चलने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि कंपनीज में हजारों लोग काम करते हैं, एवरीडे मॉर्निंग आते हैं, और मैं मानता हूँ बहुत सारे लोग उसमें टिफिन लेके आते हैं, बट बहुत सारे लोग हैं उनके पास टिफिन की सुविधा नहीं होती है और वो बाहर खाना खाते हैं, तो उस चीज़ में वो लोग लंच टाइम में नीचे उतरते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं, सिंपल खाना लगता है उनको, क्योंकि अगेन वापस जाके ऑफिस में काम करना होता है। तो कॉर्पोरेट एरिया इज ऑल्सो वेरी गुड, वो काफ़ी अच्छा है आपके रेस्टोरेंट ओपन करिए। चौथा इज एजुकेशन। सो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जहाँ होते हैं, जहाँ पे कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज होते हैं, स्कूल्स होते हैं, ऐसे एरिया में भी काफ़ी पॉपुलेशन वर्किंग फ्लो होता है, बच्चों का होता है, उनको छोड़ने के लिए आने के लिए पेरेंट्स का होता है, वहाँ पे स्कूल्स में सप्लायर्स वेंडर्स काफ़ी होते हैं, स्कूल अगर होगा तो आजू बाजू में शॉप्स भी होते हैं, तो वैसा एरिया भी रेस्टोरेंट के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। पांचवा इज हाईवे। हाईवे में आजकल पिछले 10-15 सालों से, 20 सालों से, जब से इंडिया मार्केट के लिए इकोनॉमी ओपन हुई है, बहुत सारी गाड़ियों का सेल्स बढ़ गया है,
बहुत सारे लोग फ्राइडे सैटरडे संडे आउटिंग के लिए जाते हैं, लोकल साइट सीइंग प्लेसेस, पिकनिक स्पॉट्स वगैरह वगैरह, तो सिटी से थोड़ा लंबा 25 30 40 50 किलोमीटर पे हाईवे पे भी अगर आप रेस्टोरेंट खोले तो वो एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है, क्योंकि गाड़ी बाहर जाने के आने के टाइम पे उनको रिफ्रेशमेंट लगते हैं, वॉशरूम्स लगते हैं और स्टॉप लगते हैं। कोई भी ऐसा फैमिली का बंदा या फिर अखी फैमिली, पूरी फैमिली 4-5 घंटे एट अ स्ट्रेच ट्रैवल नहीं करती, उनको ब्रेक्स 1-2 घंटे में एक ब्रेक तो मिनिमम लगता ही है। तो हाईवे रेस्टोरेंट्स भी, हाईवे रेस्टोरेंट्स का भी फैड्स आजकल पिकअप हो गया है। और छठवां है अपना मॉल्स या फिर इन हाउस रेस्टोरेंट्स। तो जो भी आउटलेट्स फूड कोर्ट में आप मॉल्स में देखते हो, ऑफिस में देखते हो जहाँ पे फूड कोर्ट है या फिर कोई भी फंक्शन चल रहा है वहां पे अंदर आपको आउटलेट होता है, तो वो भी एक अच्छा लोकेशन है जहाँ पे मेजोरिटी लोग आके एक साथ कुछ एक्टिविटी करते हैं। सेमिनार्स हुए, मॉल में लोग घूमने आते हैं, घूमने 2-3 घंटा 4 घंटा घूमने के बाद उनको भूख लगती है, वो बैठ के सैंडविच खा लिया उन्होंने, पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिया, तो उस जहां पे मेजॉरिटी लोग आते जाते हैं वहीं पे आप रेस्टोरेंट खोले। जहां पे लोग नहीं आते जाते, एकदम अंदर अंदर का लोकेशन हुआ या पे लोकेशन जहां पे कोई कोई पब्लिक का आना जाना नहीं होता, और वहां पे आपको रेंट भी सस्ता मिलेगा, बट वहां पे ओपन करके आप आपका पूरा रेस्टोरेंट का प्रोजेक्ट है वो रिस्क में डाल रहे हैं। सो आप हमेशा सोचिए, ये सबसे बड़ा पॉइंट है और यही पॉइंट आपको आपके रेस्टोरेंट को सक्सेस की ओर लेने में मदद करेगा। शेयर कीजिए ये वाला वीडियो, आपने अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सवाल पूछिए, आपको जो चाहिए मैं उस हिसाब से अगले वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू सो मच आपने ये वीडियो देखा और मैं आपकी आज्ञा लेना चाहता हूँ। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।